हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और अभी भाई हम लोग फिलहाल नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे सुबह सुबह 7 बजे। क्या खा रहे हैं? देखो, हलवा, गुड़ का हलवा। इसमें तो दूध भी डाल दिया है इसके अंदर। और हम दोनों तैयार हो चुके हैं कहीं पे जाने के लिए। हमारी मम्मी जी ने हमें नाश्ता बना के दिया है सुबह सुबह। और पापा भी है इधर। चलो भाई हलवा टेस्ट करते हैं। मस्त है। नाश्ता डन। गाड़ी तो घुसायला आला गेलो, तुला तरी गाडी मध्ये वाटली बर। मेरी मम्मी ना ये बॉटल देने के लिए ना नखरे कर रही, बोल रही यार तुम भूल जाओगे बॉटल। मम्मी की फेवरेट बॉटल लग रही है मुझे ये तो। हां, बच्चे फेवरेट नहीं, बॉटल फेवरेट है मम्मी की। बॉटल फेवरेट नहीं, मम्मी कभी नहीं ना लगत दो तो वहां का। पहले तो ये बोल रहे थे क्यों लेके जा रहे हो बॉटल, दूसरी बॉटल लेके जाओ, वो नहीं होती बिस्लरी वाली। मैंने बोला ये वाली दो जो तुमने नई वाली लाई है। फिर बोल रही है फिर ठीक से घर लाओगे। तुला पण माहिती मम्मी चीज अशी परीक्षा देऊ गीत काय ये तो। ये देखो भाई यहाँ पे एक लाइट लगा दिया है कल। तो दोस्तों एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं नासिक, क्योंकि सुनील के जो कपड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं, उनको भी लाना है घर। फिर हमारी गाड़ी की थर्ड सर्विसिंग ड्यू है, सर्विसिंग भी करानी है। तो ऐसे 2-3 काम है, फिर हम जा रहे हैं नासिक। अभी फटाक से जाके आते हैं। हाँ बिल कितना कुठे हमारे पापा है ना भाई, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। पानी ठंडा रहने के लिए इधर डाल देता हूँ, यहाँ पे फ्रीजर है ना। मम्मी पापा बहुत चिंता करते रहते हैं भाई। हम सुबह सुबह जल्दी जा रहे हैं भैया, अरे सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा भाई, टुम-टुम बजता रहेगा नहीं तो दिन भर। हम सुबह सुबह जल्दी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने सुबह की जल्दी अपॉइंटमेंट ले ली है, और फिर फटाक से सारा काम फिनिश करके घर आ जाएंगे। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी निकलते हैं, मतलब अभी 7:30 बजे तभी हम लोग निकल रहे हैं। और एक प्रॉब्लम हो रही है इस गाड़ी में ना, यहाँ पे जो मीटर होता है ना, जहाँ पे वो किलोमीटर्स दिखाता है कि गाड़ी में पेट्रोल डालने के बाद, डीजल डालने के बाद कितनी रेंज है गाड़ी की, वो नहीं दिखा रहा है। मतलब 2-3 प्रॉब्लम होने लगी है, तो वो उसकी सर्विसिंग ड्यू थी। तभी जाके सब निपटा के आते हैं, क्योंकि आगे चल के शादी में भी ये गाड़ी हमें लगने वाली है ना। सुनील की शादी नज़दीक आ रही है, और फिर पापा मम्मी को भगवान के दर्शन करने के लिए भी जाना है, जो हमारे कुल देवत वगैरह है। तो गाड़ी को ठीक करके लाना पड़ेगा सब कुछ चीज़ें। तो इसके लिए हम अभी जा रहे हैं, सर्विसिंग वगैरह करवा के ला रहे हैं। ठीक है, तो भाई हम पहुंच चुके हैं अभी नासिक। तो चलो हमारा पहला ही नंबर होगा, जल्दी से हमारी गाड़ी सर्विसिंग हो जाएगी, मजा आ जाएगा। करते पहला नंबर लग जाए हमारा, क्योंकि सब लोग हमारी तरह ही सोच के आए होंगे। नहीं तो चल जल्दी जाते, जल्दी नंबर लगेगा। टन पहुंच गए हम सर्विस सेंटर। यस, ले लो भाई अंदर डायरेक्टली, देखते क्या कुछ होता है। तो भाई हम ही हम सर्विस सेंटर पहुंच चुके हैं, चलो उनसे बातें बातें करते हैं, देखते क्या सीन है आज का। तो भाई अभी हम लोग आए थे, तो ये चेक कर रहे हैं कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हो रही है, सब फायरिंग वगैरह चेक कर रहे हैं, या फिर कुछ उनको प्रॉब्लम लग रही होगी तो वो फिक्स कर देंगे, फिर बता के शोरूम वालों जो सर्विसिंग करेंगे उनको, मतलब टेस्टिंग कर रहे हैं कि क्या क्या दिक्कत आ रही है अभी गाड़ी में। फाइनली उन्होंने सारे डिटेल्स वगैरह ले लिए, क्या क्या सर्विसिंग वगैरह करना है, तो देखते कितने टाइम में होता है। पूरा दिन लगेगा ऐसा बोला है। ब्लैक टी। ये देखो भाई सर्विसिंग स्टार्ट हो चुकी है, सारे टायर निकल दिए हैं गाड़ी के, अभी हो ही जाएगा थोड़ी देर में, मतलब 4-5 घंटे लगेंगे। चलो भाई गाड़ी की सर्विसिंग तो हो गई है, अभी इसको धोने के लिए लगा दिया इन लोगों ने इधर लाइन में। भाई दोपहर का टाइम हो चुका है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, और हमारी गाड़ी धोने में ना अभी बहुत टाइम लगने वाला है, 3-4 घंटे लगने वाले हैं। ठोक दिया होता मुझे।
तो चलो भाई कैब बुक कर दी, यहाँ पे एक अच्छा वाला होटल दिख रहा है मुझे गूगल पे ऊपर, तो चलो जाके उधर ही खाते हैं। पता नहीं अभी कैसा टेस्ट रहेगा उधर। तो भाई ऐसा कोई तो होटल हमने ढूंढ लिया है जो कि मतलब आजू बाजू में था 2 किलोमीटर में। यहाँ पे कुछ खाते, बहुत भूख लगी है, सुबह थोड़ा सा ही नाश्ता किया था, बहुत ज़्यादा भूख लग गया अभी। भाई ये कौन सी जगह आ गए हम लोग? रेस्टोरेंट इधर। हाँ एक है इधर दिखा रहा है। हमारी गाड़ी धुलने में टाइम लग रहा है, नहीं तो अब तक तो हम घर निकल गए होते, क्या ही कर सकते अभी। चलो भाई कुछ खा लेते, काफ़ी ज़्यादा भूख लगी आज। होटल तो मस्त है भाई, ठंडा ठंडा लग रहा है इधर बहुत ज़्यादा, और ग्रीनरी भी काफ़ी है। आई होप खाना सही रहेगा। जैन फूड है शायद ये, मैं पहली बार जैन फूड ट्राई करने वाला हूँ। ओम नमः शिवाय। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर फूड। क्या आएगा भाई, मज़ा आएगा खाना खाने के लिए। हाँ भाई इसको तो आ भी गया छास। कैसा है? अच्छा है, थोड़ा खट्टा है बट अच्छा है। नाउ माय मिल्क शेक इज हियर, चॉकलेट मिल्क शेक। टेस्ट करके देखें वो। टेस्टी है ना? पनीर चिली हमारा फेवरेट बन चुका है। हमारी मम्मी को तो बहुत पसंद है, पायल को भी पसंद है, दोनों को। दोनों देख लो हम खा रहे हैं, हमारा समझ के आप ही थोड़ा सा खुश हो लेना। टेस्टी है ना? हाँ प्लेन उधर। ये देखो भाई नारियल में सब्जी, नारियल में सब्जी ऑर्डर किया आज को, पहली बार देखा मैंने ये सिस्टम। आई होप बढ़िया होंगे। कैसा लगा सिस्टम तुम्हें? किसी और के लिए नारियल पानी लाए। वो सब्जी का नाम ही नारियल था ना, मुझे लगा नारियल की बना के देंगे, पर उन्होंने नारियल ही ला के दिया। हरी हरी सब्जी, सब्जी डाल के गरम करते हैं। पता नहीं क्या है सिस्टम, ट्राई करके देखते हैं। कैसे टेस्ट? सच में जैन फूड है ना, इसमें ज़्यादा गार्लिक प्याज वो नहीं है, उसका टेस्ट अलग है ना। चलो मुझे भी ट्राई करने दो अभी। कैसा रहा खाना? अच्छा था। चलो भाई खाना वाना हो गया है, अभी जाती है शोरूम। मेरे मुंह में है ना बड़ी सोप, इसलिए ऐसे बातें निकल आ रही है मेरे से, आवाज़ चेंज हो गई है थोड़ी सी। हाँ तो अभी निकलते हैं फिर से शोरूम, गाड़ी हमारी धुल चुकी होगी, फिर हमें जाना है सुनील के ड्रेसेस लेने के लिए काठियावाड़। मस्त है यार ये प्रॉपर्टी, सही है। मुझे लगा छोटा रेस्टोरेंट होगा पर ये बहुत बड़ा था। चलो भाई आ गए अपनी कैब, क्या भी क्या ऑटो आ गए अपने, पहुंच गए हम लोग शोरूम। शोरूम नहीं सर्विस सेंटर। ये देखो हमारी गाड़ी इधर है, अभी भी धुलने के लिए नहीं गई है भाई, लाइन में खड़ी है गाड़ी। चलो अभी जाते हैं हम काठियावाड़, सुनील के कपड़े लेके आते हैं जो सिल के हो चुके होंगे, मतलब फिटिंग बाकी थी उनकी। ये देखो भाई किसकी गाड़ी, पता नहीं अवस्था देख लो इसकी। चलो भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से सुनील के कपड़े उठाते हैं, मतलब बिल पेमेंट वगैरह तो सब पहले ही कर दिया था, उसका कुछ है ना स्टिचिंग वगैरह बाकी था इसके फिटिंग के अकॉर्डिंगली, तो उसके लिए हम लोग रुके थे। ये उनको दिखाते हैं बिल वगैरह, बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। तो वो गए अभी कपड़े लाने के लिए, तब तक हम लोग यहाँ पे रुके। हाँ दुकान
आई होप कोई फिर से मॉडिफिकेशन ना हो। सुनील के कपड़े तो आ गए हैं पर मैं दिखा नहीं सकता कैमरे पे, सुनील नाराज़ हो जाएगा, बोलेगा भाई मेरे शादी के ड्रेस तूने पहले रिवील कर दे, शादी में देख लेना सुनील के कपड़े। ठीक है, कपड़े वगैरह तो ले लिए। चलो भाई कैब बुक करते हैं और निकलते हैं पूरा। चलो भाई, अभी भी आपने गाड़ी का नंबर नहीं लगाया इधर, अभी टाइम लगेगा ये गाड़ी होने के बाद। ये सुनील तो देख के ही उसको लग रहा होगा भाई कब होगा। चलो भाई हो गया, हमारी गाड़ी फाइनली रेडी। क्या चमक रही है भाई, अलग ही प्रकार के धोए जाता है इसको इधर से। हम धोते तो ऐसे नहीं दिखती गाड़ी, सोल्यूशन लगाते हैं, मतलब तुझे इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, ठीक से गाड़ी नहीं धोता है। तो भाई ये देखो, ये जो स्क्रैचेस पड़े हैं ना गाड़ी के ऊपर, वो 3M केयर वाले बोले कि ये स्क्रैचेस थोड़े फेंट हो जाएंगे और जो जो एकदम ज़्यादा डार्क वाले स्क्रैचेस हैं ना उनको निकलने में टाइम लगेगा, वो नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं। अभी हमें घर जाना है जल्दी, तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब कर देंगे हम लोग। तो भाई कस्टमर फीडबैक ले लिया है उन लोगों ने, अभी निकलते हैं घर। घर जाते जाते 6 बज जाएंगे हम लोग। तो भाई जस्ट नाउ गाड़ी चला के देखी मैंने, फायरिंग जो होती है गाड़ी की, मतलब सर्विसिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा लाउड फायर कर रही थी गाड़ी इंजन, तो इंजन की आवाज़ कम हो गई है, लुब्रिकेशन वगैरह सही ठीक ठाक हो गया है। अभी हम लोग घर निकल रहे हैं भाई, बहुत टाइम हो गया इधर। चलो जल्दी चलो, जाके क्रिकेट तो होगा आज, आज क्रिकेट खेलेंगे भाई। ऐसी लग रही है कोई चेंज ड्राइविंग में, स्मूथ सुनील भाई, स्मूथ। हमने तो पेट पूजा कर ली थी, गाड़ी की पेट पूजा कौन करेगा, जीरो देख ले रहे भाई सुनील। पिछली बार हमने पेट्रोल डीजल डाला, गाड़ी का इंडिकेटर शो ही नहीं कर रहा था, मतलब 1000 रुपये का डाला तो हमारी रेंज दिखाता है 240 किलोमीटर के आसपास, पर उसमें दिखा ही नहीं रहा था। फिर हम शोरूम गए आज, तो उन्होंने बोला कि भाई आप है ना गाड़ी बंद किया करो जब पेट्रोल डीजल डालते हो, तो फिर उसके बाद QR कोड दे। तो भाई मैं आ गया था डॉक्टर के पास, क्योंकि उस दिन मुझे वो सीढ़ी से नीचे आते आते लगी थी ना पैर में, तो मेरे दिल में रह गई थी कि यार टीटी का इंजेक्शन नहीं लिया, टीटी का इंजेक्शन नहीं लिया। फिर मैं टीटी का इंजेक्शन लगवाने के लिए आ गया था, बस ना डॉक्टर साहब को मैंने बोला, वो बोले भाई हमेशा अगर कभी कोई कट लग जाता है बड़ा वाला तो हमेशा टीटी का इंजेक्शन ले लिया करो, 12.5-15 रुपये का इंजेक्शन रहता है वो, पर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो फिर वो मेरे दिल में रह गई थी वो बात, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम का मेरा टीटी का डोज याद नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे जो हमारे जो फैमिली डॉक्टर है वो बोले कि 10 साल तक चल जाता है टीटी का डोज, पर मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने लास्ट टाइम कब लिया है। तो फिर मैंने सोचा चलो एक डोज ले ही लेते, चलो निकलते। इंजेक्शन दर्द कर रहा है क्या? बहुत भारी आता डॉक्टर साहब का, ऐसा लग रहा है खील टूट गई। चलो भाई गणपति बाप्पा के मंदिर में आ गए हम, गणपति बाप्पा का दर्शन करने के लिए आ गए, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है। दोस्तों आपको मैं ऐसा ब्लॉग में अच्छा लगूंगा या फिर ऐसे पकड़ के, तो एक कैमरामैन हायर कर लेते हैं हम, जब औकात बन जाएगी तब। ऑलरेडी है ना एक। चलो भाई चलो गणपति भगवान के दर्शन करके आते हैं, आज चतुर्थी है, भगवान से प्रार्थना करते हैं सब कुछ अच्छा कुशल मंगल हो सबके जीवन में, नॉट जस्ट इन आवर लाइव्स, सबके लाइफ में। गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। भैया हमारे तो दर्शन हो गए, अभी जाते हैं घर। बेल देखो कितनी बड़ी यहाँ पे, और यहाँ पे है भगवान हनुमान। लुक एट आवर ब्लैक ब्यूटी, कितनी सुंदर दिख रही है, धोने के बाद तो भाई और ही ज्यादा सुंदर लग रही है। रीच्ड होम गाइस, कशी आहेस मामा? 7 बज गए भाई, सुबह 7 बजे निकले थे हम लोग, 12 घंटे लग गए। बोला था तुझे जिस हिसाब से तुम गाड़ी चला रहे हो 7 बज जाएंगे। क्या कुछ
साला। रीवा जी की एंट्री हो चुकी है। लेट्स हैव अ डिनर गाइस। कढ़ी चावल रोटी बेस्ट। दोस्तों इससे पहले हम ब्लॉग एंड करें, मैं मम्मी को कुछ देना चाहता हूँ। मम्मी की अमानत। खुशी देख लो भाई। तो मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों, बाय बाय।